खबर उत्तराखंड के खांडपुर की है, जहां 4 साल बाद लक्सर पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं आरोपी के फरार होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार फरार आरोपी को पकड़ने के लिए कई थानों की पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाया, लेकिन फरार कैदी का कोई सुराग नहीं लग पाया। आपको बता दें कि आरोपी को तलाशने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं दरअसल लक्सर कोतवाली ने रायपुर निवासी सिकंदर पुत्र हसीन को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बताया गया है कि जमानत पर आने के बाद आरोपित सिकंदर न्यायालय में पेश नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर कोर्ट ने उसका वारंट जारी किया था। वारंट जारी होने के बाद लक्सर पुलिस ने आरोपी सिकंदर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी सिकंदर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। कल वारंटी था, रायपुर गांव का है, लक्सर का वारंटी था। कल गिरफ्तार हुआ था, आज न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने इसे जो है जेल के लिए आदेश किया था, तो वहीं से जो है जेल के लिए 6 मुलजिम लेके आ रहे थे, 6 कर्मचारी थे। तो यहाँ से ये खिड़की से उतर के जो है भाग गया है। उस समय बरसात हो रही थी, उस समय भाग गया। तो क्या कारण रहा, क्या हथकड़ी नहीं लगाई? अभी ये तो उसको ही पता हो सकता है। हथकड़ी तो हर एक के नहीं लगाई जाती, और केवल सुरक्षा वैसे रखा जाता।